बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइमा होम पेशेंट्स। तो व्यूअर्स कैसे हैं आज? आज हम आपके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट एक चीज़ लेकर आए हैं, जिसमें ये शलवारों के डिज़ाइन दिखाए गए हैं और बड़े ही अजीबो गरीब किस्म के हैं। और इसमें ये पटियाला शलवार है और इसमें एक धोती शलवार है और इसमें एक ट्यूलिप शलवार है। ये अलग अलग किस्मों की शलवारें हैं, लेकिन ये एक ही नस्ल की सारी चीज़ें हैं। तो यकीनन आपको पसंद आएंगी। जिन लोगों को पसंद आएंगी वो ज़रूर इसको लाइक करेंगे, और किसी किसी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो ये आप देख सकते हैं, ये धोती शलवार है और ये है जी पटियाला शलवार, और इसमें एक ट्यूलिप शलवार भी अभी आएगी, ये देख सकते हैं आप। तो फैशन के लिहाज से तो ये बड़ी अच्छी लगती हैं, जो लोग पहनते हैं उनको बड़ी पसंद आती हैं। उसमें खुले खुले घेर से बने हुए होते हैं। तो ये देखिए, फैंसी सूट में भी इसकी डिज़ाइनिंग की गई है। ये इसके अलावा ये पार्टी वेयर भी हैं, और पार्टीज़ में भी आप पहन सकते हैं। आजकल लड़कियां तो कैजुअल भी इसको पहनती हैं, अच्छे लगते हैं। खुली खुली शलवारें होती हैं, और ये धोती शलवार आप देख सकते हैं, कुछ अजीब किस्म की ये शलवार हैं, कुछ अजीब किस्म की इनकी डिज़ाइनिंग है, और इनकी कटिंग भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। आम शलवार की तरह ये नहीं कटती। ये देखिए, ये फैंसी ड्रेस के साथ है, और ये ब्रोकेट की शलवार बनाई हुई है उन्होंने। इसके अलावा ये लीलन में भी, लीलन में ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है, लचकदार कपड़े में खूबसूरत लगती हैं ये शलवारें, क्योंकि इसमें सारे ज़्यादा वेव्स आ जाते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छी लगती हैं। तो हो सकता है आपको ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती हो और आप इसको पहनना पसंद करें। तो अगर आप इसको पहनना पसंद करते हैं तो बड़ी आसानी से ये टेलर को से सिलवा सकते हैं, क्योंकि हर टेलर को ये शलवारें सीधी आती हैं, ट्यूलिप भी, और इसके अलावा ये पटियाला भी और धोती भी, ये सारी शलवारें सीधी आती हैं उनको। तो आप बड़ी आसानी से इनको सिलवा सकते हैं और पहन सकते हैं। और बस अक्सर लड़कियों पर ये बहुत सूट भी करती है, उन्हें प्यारी लगती है पहनी हुई। तो व्यूअर्स, एंड तक वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत सारे इसमें आइडियाज़ मिलेंगे, और हमारा मकसद इसी पे आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ देना है हमेशा की तरह। तो हमेशा अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।